तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नए अनबॉक्सिंग वीडियो में। देख सकते हैं एक हाईटेक के तरफ से एक नया नेकबैंड आया है हम लोग के दुकान पे, तो आज इसी का अनबॉक्सिंग करते हैं। इस नेकबैंड का खास बात मुझे ये लगा कि इसमें इस नेकबैंड में ही आपको एफएम रेडियो का सिस्टम दिया हुआ है। जी हाँ, ये मुझे बहुत ज्यादा यूनिक लगा, तो मैंने सोचा कि आप लोग के संग शेयर किया जाए इसका रिव्यू वगैरह। मैंने अभी तक इसको यूज भी नहीं किया है, ठीक है, तो देखते हैं आपके सामने ही इसका रिव्यू करते हैं, अनबॉक्सिंग करते हैं कि इसमें क्या क्या फीचर दिया हुआ है। तो सबसे पहले बात करें तो इसका जो मॉडल नंबर है वो देखते हैं हाईटेक टाइटेनियम सीरीज। जी हाँ, इसका मॉडल नंबर है ST56, ठीक है। ये आपको बहुत सस्ता प्राइस में मिल जाएगा, 35 घंटे तक का इसमें प्लेबैक टाइम यहाँ पे लिखा हुआ है, म्यूजिक प्ले टाइम 35 घंटे तक का आपको देखने को मिल जाएगा। बात करें इसमें टॉक टाइम का, तो इसमें आपको टॉक टाइम जो दिया हुआ है वो 40 घंटे तक का दिया हुआ है, और म्यूजिक टाइम 35 घंटे का दिया हुआ है। स्टैंड बाय टाइम है जो वो 300 घंटे का दिया हुआ है, भाई साहब बहुत ज्यादा है। और चार्जिंग में आपको सी टाइप पोर्ट मिल जाएगा यहाँ पे आपको देखने को, और एक घंटा आपको मिनिमम चार्ज में लगता है ये चार्ज होने में। ब्लूटूथ का मुझे सिर्फ वर्जन इसका कम लगा, क्योंकि ब्लूटूथ 5.0 का आपको इसमें वर्जन देखने को मिल जाएगा। ये जो नेकबैंड है वो आपको 3 कलर में अवेलेबल मिल जाएगा, एक ब्लैक, एक ब्लू और एक ग्रीन, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या दिया हुआ है। तो देख सकते हैं बॉक्स के अंदर सबसे पहले आपको एक सी टाइप केबल देखने को मिल जाएगा, सी टाइप केबल आपको बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। देख सकते हैं इसका कितना कूल डिजाइन लग रहा है, यहाँ पे मिलिट्री ग्रेड दिया हुआ है, देख सकते हैं बहुत ही गजब का यहाँ पे लुक लग रहा है। ये मैग्नेटिक यहाँ पे दिया हुआ सिस्टम, जो कि मुझे सही में इसका जो मैग्नेटिक सिस्टम है बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे बटन्स की बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पे जो नॉर्मल पावर ऑन बटन, वॉल्यूम अप बटन, डाउन बटन तो दिया हुआ है, लेकिन देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको जो यहाँ पे दिया हुआ है एफएम का बटन दिया हुआ है। तो मैं आपको सुन के बताता हूँ कि सही में जो एफएम वगैरह है वो काम करता है कि नहीं करता है। चलिए सबसे पहले ब्लूटूथ को स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे ब्लूटूथ को स्टार्ट मैंने कर लिया है, देख सकते हैं इस एफएम वाले को आप जब भी ऐसे प्रेस करके रखेंगे तो इसमें आपको एफएम मोड सुनाई देगा। तो देख सकते हैं हाँ, एफएम तो सुनाई तो दे रहा है भाई साहब, सही में यार बहुत गजब है, तो एफएम सुनाई दे रहा है इसमें। उसके बाद आप फिर से एफएम मोड क्लिक करेंगे तो वहां पे ब्लूटूथ मोड ऑन हो जाएगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं। और आपको अगर नेक्स्ट करना है तो होल्ड करके रखना है वॉल्यूम अप बटन और डाउन बटन, तो ये आपका जो चैनल है एफएम का वो चेंज होते रहेगा। साउंड क्वालिटी की बात करें तो साउंड क्वालिटी एफएम का तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और म्यूजिक क्वालिटी की बात करें तो म्यूजिक क्वालिटी भी इसका इस प्राइस रेंज के हिसाब से मुझे सही में खास लगा। सी टाइप पोर्ट दिया हुआ है तो फास्ट चार्जिंग भी सपोर्टेड है, एक घंटा में आराम से आपका ये जो ब्लूटूथ है वो फुल चार्ज हो जाता है। यहाँ पे जैसे जो बैंड दिया हुआ है, नेक बैंड दिया हुआ है, फुल्ली फ्लेक्सिबल है, यहाँ पे जैसे रबड़ का बना हुआ है जो कि आराम से आप इजिली यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओवरऑल बात करें इसके प्राइस की, देख सकते हैं मैं आपको एफएम का साउंड सुनाता हूँ, पता नहीं आपको सुनाई दे रहा होगा कि नहीं। एफएम का साउंड बहुत ही अच्छा आ रहा है, एफएम भी कनेक्शन वगैरह सब सही हो रहा है। और इसका प्राइस की बात करें तो ये आपको 500 या 550 रुपए में मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये जो प्रोडक्ट है हाईटेक का, ये मेड इन ताइवान दिया हुआ है। जी हाँ, तो मेड इन ताइवान का ये प्रोडक्ट है, लेकिन प्रोडक्ट की क्वालिटी मुझे सही में अच्छा लगा, बिल्ड क्वालिटी अच्छा है, साउंड क्वालिटी अच्छा लगा। इसका जो मेन फीचर है एफएम वाला वो भी बहुत ही अच्छा वर्क कर रहा है, कॉलिंग वगैरह में भी आपको बहुत ही अच्छा, नॉइस कैंसिलेशन वगैरह नहीं दिया हुआ, इतना कम प्राइस में आपको नॉइस कैंसिलेशन नहीं मिलेगा देखने को, लेकिन जो इसका क्वालिटी है वो मुझे सही में अच्छा लगा इस प्राइस रेंज के हिसाब से। तो आपको ये ब्लूटूथ नेकबैंड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।